क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। परसों 26 तारीख को अपना संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ईदी बाजार में एक लड़का, 19 साल का लड़का, नाम नवीद, उसका मर्डर हुआ था। उसमें अक्यूज्ड A1, A2, A3, A1 मोइस, A2 इस्माइल, A3 सैयद सैफ अदनान, उन लोगों को आज संतोष नगर पुलिस स्टाफ एंड ऑल्सो टास्क फोर्स MGBS बस स्टैंड में पकड़ा गया। इन लोगों को ये मोइस, जो भी अक्यूज्ड है, मोइस, इस्माइल, अदनान और अपना डिसीज नवीन, ये सब लोग मतलब रिसेंटली एक शालीबंडा पुलिस स्टेशन में एक 307 के अंदर केस रजिस्टर हुआ और उसके दौरान वो लोग जेल भी जाके तीन चार महीने पहले जेल से बाहर आया। जब से अक्यूज मोइस और अपना डिसीज नवीद दोनों आपस में मतलब झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे वजह से मैं केस में फंस गया बोल के, उसी दौरान में नवीद ने अपना इसमें A2 इस्माइल को सुपारी दे के मतलब 50,000 का डील सेट करके मोइस को मार देंगे बोल के प्लान किया। ये बात इस्माइल ने, जो भी मतलब जिसको भी सुपारी देने के लिए प्लान किया, वो जाके अपना अक्यूज्ड मोइस को बता दिया, ऐसा तेरा, ये दोनों अक्यूज्ड और डिसीज दोनों कलेराबा एक कजिन से, ये इस्माइल जाके बोला अब नवीद तेरे को मारने का प्लान कर रहा। इसी दौरान में मतलब इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ और 10 दिन पहले मोइस को नवीद और एक लड़का मंसूर ने उन लोगों को मारा, मोइस को मारा। वो वीडियो क्लिक करके इंस्टाग्राम में भी डाला नवीद ने, ये भी मतलब उसे ज़्यादा गुस्सा होके मारने के लिए प्लान किया। इसमें इस्माइल ने मोइस को एक चाकू भी दिया मारने के लिए, प्लान कैसा करना प्लान किया और चाकू भी दिया। और अपना A3 अदनान जो है नवीद के बारे में, उसका मूवमेंट्स क्या है, कहाँ पे शॉप में है कि नहीं बोल के फ़ोन पे उसको रेगुलर टच में रह के उसको इन्फॉर्मेशन दिया। उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मोइस ने चाकू लेके अपना ईदी बाज़ार में नवीद का जो भी मटन शॉप है उसमें जाके डायरेक्ट स्टैबिंग किया। वो ग्रीवियस इंजरी होके तुरंत हॉस्पिटल को लेके गया, हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। और इसमें ये तीनों मतलब ये दोनों रिश्तेदार है, मतलब कलेराबा है, स्टार्टिंग से भी झगड़ा है, छोटे छोटे मतलब बातों में इन लोगों का मतलब झगड़ा हुआ ये आपस में। और गांजा के नशे में मोइस ने ना कलेराबाई नवीद को स्टैबिंग किया। इसी दौरान में अक्यूज्ड A2 इस्माइल ने प्लान किया और उसको चाकू भी दिया। और A3 अदनान ने उन लोगों को मतलब नवीद के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शॉप में है कि नहीं बोल के बोला। ये तीनों भी मतलब लगभग 20 साल का लड़का है, सब लोग गांजा के नशे में ये ऑफेंसेस कर रहे। मैं पब्लिक को और पेरेंट्स को भी अपील कर रहा, जो भी ऐसा मतलब आपका बच्चा ऐसा कुछ नशे में अगर है तो पुलिस वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन दिए तो हमारे तरफ से थोड़ा काउंसलिंग करके लोगों को सुधारने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।